नमस्कार, स्वागत है आपका जे जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। लगातार देश से जो लगातार महिला अपराधों से प्रति जुड़ी हुई जो खबरें लगातार सामने आ रही है, हल्द्वानी भी कहीं ना कहीं उसकी जद में आया है। लगातार ऐसी खबरें सामने आई है जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। उसके बाद प्रशासन भी जागा है और कहीं ना कहीं कल से सभी महिला स्कूलों के बाहर ही बोलूँ जहाँ गर्ल्स खासतौर पर पढ़ती है वहाँ पे महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। फिलहाल छुट्टी के समय ये आदेश जारी किए गए। छुट्टी के समय किसी भी प्रकार के आवारा लोगों को देखते हुए या लड़कों को यदि लड़के या मंचले लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं तो उन पर शिकंजा कसने के लिए कहने के प्रशासन ने ये कदम उठाया है। कुछ परिजन मौजूद हैं, अपने बच्चों को लेने आए हैं, इनसे पूछते हैं कितने में इनके बच्चे पढ़ते हैं, इस कदम को कैसे देख रहे हैं। लगातार दुष्कर्म की घटनाएँ हल्द्वानी से सामने आ रही जो बेहद शर्मसार हैं। इनसे पूछते कितना डर रहता है ऐसे में बच्चों को। नाम बताइए अपना। ब्रजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? चौपला चौरा है। बच्चे को लेना है हमने। कितने में पढ़ते हैं? 11 में। 11 में बच्ची है? हाँ, लड़की है। जिस प्रकार से अपराधों की श्रेणी में लगातार हल्द्वानी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अभी प्रशासन ने एक पहल स्टार्ट की है कल ही से कि महिला पुलिसकर्मी बाहर तैनात रहेंगी। कितना कारगर साबित होगा ये? सही होगा, अच्छा ही होगा महिलाओं के लिए ना। आए दिन यहाँ लड़ाई झगड़ा होते रहता है, स्कूल की छुट्टी होती है, लड़कियाँ जाती हैं उनके लिए कोई छेड़ाखानी कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है, तो उनको कोई देखने वाला नहीं है। हर प्रकार का है ना, हम लोग लेने आते हैं यहाँ। जिस प्रकार से आपकी बच्ची 11वीं में पढ़ती थी, मैं सामान्य तौर पर बात करूँ तो 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा खुद भी घर जा सकती है, उतनी वो मैच्योर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं डर रहता है तभी आप लेने आते हैं। हाँ जी, डर के मारे जी। ये एरिया सेफ नहीं है कि यहाँ ऐसे मलचले ज़्यादा घूमते हैं? यहाँ आए दिन झगड़ा होता रहता है, फालतू घूमते रहते हैं लोग। बात ये है, आम आदमी वैसे जरा लड़कियों के चाहत है और समस्या रहती है। हाँ, और नाम बताइए ना। सुभाष चंद्र। आप भी अपने बच्चों को लेने हैं? हाँ जी, मेरी बेटियाँ हैं। बेटी कितने पढ़ती है? मेरी एक 7th क्लास में है, एक 4th क्लास में है। 4th क्लास में? हाँ, छोटे हैं बच्चे मेरे। जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि मंचले काफी घूमते हैं, कॉलेज से भी बच्चे आप कह रहे हैं कि आ जाते हैं यहाँ पे, अब कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी तैनात की गई है, महिला पुलिसकर्मी, क्या पहले हो जाना चाहिए था ये? पहले हो जाना चाहिए था ये काम। अगर पहले हो जाता तो शायद माँ बापों को या गार्जियनों को उनको लाने की कोई दिक्कत नहीं होती, आपत्ति नहीं होती। आपत्ति नहीं? हाँ, जिस तरह की हम लोगों को डर लगा रहता है कि हम अपने बच्चों को लेने जा रहे हैं, सुरक्षित है या नहीं है, आ रहे हैं रोड में चल रहे हैं, कौन कैसा है क्या नहीं है। आजकल इतनी घटनाएं हो रही है कि सोच के भी दिल घबराता है। बिल्कुल है कि नहीं? कितने पढ़ती फिर से बताइए बच्ची? 7th क्लास में। 7th पढ़ती? हाँ, आपकी तो बच्ची छोटी, आप बताइए, नाम बताइए। प्रेमपाल मौर्य। कितने पढ़ती है? तो 12वीं पढ़ती है। 12वीं पढ़ती, फिर भी लेने आते हैं? जी, आते हैं। जिस प्रकार से 12वीं थी बच्ची पढ़ती थी, हम अपने दौर की बात करें तो हम तो कुछ आए हूँ मैं अभी ड्यूटी अपने छोड़ के, अपने अपना काम छोड़ लेने। बच्चे लेने गए हैं टाइम से। पहले से ऐसा करते कि बस अपराध बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए? जी, अपराध वजह से रोड चल रहा है इतना तेजी से, ट्रैफिक में इतनी निकलने नहीं दे रहे बच्चों को, खट्टे होके बच्चे निकलते हैं। कल तो यहीं पर दुर्घटना हो गया, स्कूटी वाले का जीप वाले ने टक्कर मार दी तो उसको गाली गलूज होने लगी। माहौल अच्छा है यहाँ का, तो डर के कारण आप लोग? डर के कारण। तो अगर 12वीं पढ़े हुए छात्रा अपन घर भी जा सकता है? जा सकते। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जवाहर ज्योति डबड़ो आगे। डबड़ो उनका ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से? हाँ हाँ, डबड़ो जी डी स्कूल के पास में। पास में जी जी। और किस प्रकार की, जिस वजह से बच्ची आपकी घर जाती है, कभी अकेले कभी हुआ कि शायद आपको समय ना हुआ, आपने अकेले भेज दिया हो? नहीं नहीं, अकेले कभी जाती है, हम जो तो सबके साथ में, बच्चों के साथ ही है, अकेले नहीं जाती है। हाँ, अकेले पैसे देते हैं, टेम्पो बैठ के जाती है। चलिए, कौन अब मैडम के साथ कई बार भी हो चुका है। आप बताइए, आवाज उठाने नाम बताइए। इस प्रकार से महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है, कैसे देख रहे हैं? सही हो, यहाँ पे बताया जब लड़के छुट्टियाँ होती हैं तो गदर लड़के बहुत करते हैं यहाँ। बहुत करते हैं, बहुत लड़के गाड़ी वाले लेके इधर जाते हैं उधर जाते हैं, गदर करते हैं ज्यादा। यहीं की रहने वाली है कि बच्चे को लेने आई है? हम नहीं, बच्ची को लेने आए, सौरभ होटल रहते हैं। सौरभ होटल के पास रहते हैं? हाँ। माहौल अच्छा नहीं है यहाँ का? नहीं, यहाँ पे लड़के लोग बहुत गदर करते हैं। लड़की यहाँ अगर छुट्टी होती है तो सारे लोग गाड़ियों से आके इधर जाते हैं उधर जाते हैं। लड़की पढ़ती है आपकी? इंटर में है अभी। इंटर में पढ़ती है? हाँ। कभी शिकायत करी बच्ची ने किस प्रकार की आपसे? जैसे अब हम आते हैं जाते पहले करते हैं कि जी लड़के लोग गाड़ियाँ बीच में ऐसे लगा लगा के ले जाते हैं, अब पता नहीं कहाँ 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 के हैं, कैसे राजपुरा खाए गए हैं और इधर उधर के घूम के आते हैं यहाँ पे। सेफ नहीं है? हाँ, यहाँ पे सेफ्टी
एक पुलिस वाला या कोई यहाँ पर रहना चाहिए गार्ड। अभी तो महिला पुलिसकर्मी तैनात कर दी गई हैं छुट्टी के वक्त। अच्छा अभी अंदर यहाँ पे पुलिस महिला हाँ यहाँ पे कोई ना कोई रहना चाहिए। हाँ वो तो हम लोग इसलिए लेने आते हैं कि लड़के लोग गदर करते हैं इसलिए लेने आते हैं ना, पहले लड़की जाती थी आती थी तो इसलिए सेफ्टी की वजह से खुद रहने आते हैं हम। आप बताइए नाम बताइए। मेरा नाम धीरज कुमार है। कौन पढ़ता है आपका? मेरी बहन पढ़ती है 12th में। 12th में पढ़ती है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दमाडुंगा का रहने वाला हूँ। जी बहन को लेने आते जी जी। माहौल कैसा है यहाँ का? ये सभी लोग कह रहे हैं कि अच्छा माहौल नहीं है। काफ़ी असुरक्षित माहौल है यहाँ का। जिस प्रकार से देखा जाए कि कितने बच्चे आते हैं ऐसे आवारा टाइप के जो कि यहाँ पे माहौल ख़राब करते हैं, लड़कियों पे गंदे गंदे कमेंट करते हैं। अब ऐसे में अभिभावक को और क्या सूझेगी, वो उसको तो मजबूरन लेने आना पड़ेगा। आप भी देख रहे हैं यहाँ से सिटी भाई मतलब उतना दूर भी नहीं है दमाडुंगा। जब इतने पड़ोस का अभिभावक बच्चे को लेने आ रहा है तो कहीं ना कहीं असुरक्षा का माहौल तो काफ़ी। आपने कभी खुद शिकायत करी है प्रशासन से पुलिस वालों से कि ये माहौल ख़राब है यहाँ पे तैनाती की जाए? हमारी सुनेगा कौन मैम, इससे पहले भी कितने कांड हो चुके हैं। ये मैम के साथ पुलिस वाले को सुनते ही नहीं है। कितनी मैं हमारी पड़ती है तो हमें और सबको देखते हैं करते हैं तो हम तो आते जाते हैं कुछ नहीं करते हैं। नहीं सुनते चौकी वाले बिल्कुल नहीं सुनते। कभी शिकायत करी आपने? जैसे हमने नहीं करी, दो एक औरतों ने करी है तो कह रहे हैं नहीं सुनते हैं। यहाँ पे एक पुलिस वाला होना चाहिए। अभी तो है महिला पुलिसकर्मी, क्या कहते हैं लड़की जैसे गाड़ी लगाते हैं लड़कियों के आगे? पुलिस वाले क्या कहते हैं अगर शिकायत करते हैं तो? जब कहते हैं स्कूल वाले कहेंगे तभी लगाएंगे ना, तब लगाएंगे। हाँ अभी तो महिला पुलिसकर्मी तैनात है, सामने तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे टाल मटोली तो की जा रही है यहाँ अभी से ही नहीं, ये लगभग 5-6 साल पहले से ही ऐसा माहौल चला हुआ आ रहा है। और कितनी बार ना जाने ऐसी घटनाएं हो चुकी है, उसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली है। ये अब जब जाके अपराधों की संख्या जब यहाँ पे बढ़ी तब जाके प्रशासन को होश आया कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं तो इससे पहले भी कितने बार हो चुके हैं, सरेआम चाकूबाजी हो जाती है, गंदे कमेंट कर दिए जाते हैं और लड़कियां इतनी असहज महसूस करती हैं। और मैंने खुद अपने आँखों से उनको ऐसे ऐसे कमेंट करते हुए देखा है बच्चों को कि मतलब मैं बताऊं तो मतलब कुछ कह नहीं पाऊंगा मैं। और प्रशासन सोया रहता है बिल्कुल। ऊपर से दो स्कूल यहाँ पर है, एक तेग बहादुर एक खालसा स्कूल है यहाँ पे जी। उसके बाद भी जो है प्रशासन ना ही कुछ करता है और ना ही स्कूल प्रशासन कुछ कर पाता है। अब ये कल से जो है यहाँ पे तैनाती की गई है, अब तो 2-4-5 दिन बाद ही पता चलता है कि क्या माहौल बना रहेगा यहाँ का, क्या फर्क पड़ता है इसमें। जी जी अभी फिलहाल कुछ फर्क भाप पा रहे हैं आप लोग कि आज कम है ऐसी? हाँ मन चलो थोड़े बहुत यहाँ पे भी इकट्ठा रहते थे 2-4 बच्चे। हाँ आज तो फिलहाल पे नहीं दिखाई दे रहे हैं और बाकी 2-4 दिनों बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जो है कितना फर्क पड़ा है और प्रशासन ने कितना जोर दिया है इस पे ना। आप बताइए नाम बताइए। मेरा भुवन चंद्र। किसको लेने आए हैं? मैं अपनी बेटिया को। कितने में पढ़ती है? 11 में। 11 कहाँ की रहने वाली है? दमाडुंगा। दमाडुंगा पड़ोसी हम। अब ऐसा होते ही रहता है, इस प्रकार से बात करेंगे। मंचले काफी घूमते हैं, कोई सुनता ही नहीं सुनता। आज तो कम है यहाँ, लेकिन लड़के लड़ाई में आपस में लड़ जाते हैं। मारा फौजदारी यहाँ पर, एक दिन एक लड़के को मारा यहाँ पर। हाँ तीन लड़कों ने, ये स्कूल वाले भी थे शायद, बच्चे स्कूल के थे, वो आपस में लड़ जाते हैं, बहुत मारा मारी हो जाती है। सामने दमाडुंगा है, उसके बाद ही परिजन 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली बच्चियों को लेने आ रहे हैं तो कहेंगे खतरा है। इस रोड में ज्यादा ही है। अभिभावक भी जब प्रशासन से वहाँ पुलिस प्रशासन में जाके कंप्लेंट करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी की जाती है। नियमों को ताक पे रख के जो है यहाँ पे अनदेखी की जा रही है। नहीं तो यहाँ से आए दिन डेली बाई डेली, इससे पहले जब कल से यहाँ पे तैनाती हुई है, इससे पहले डेली जो है यहाँ पे अनियमितताएं दिखती है। यहाँ पे ऐसे जोर से गाड़ी ले जाएंगे, कहीं कोई स्कूल के इतने बच्चे निकल रहे हैं उसका कौन जिम्मेदार होगा अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पे तो? और वो इतनी तेज़ गाड़ी लेके जाते हैं कि जिसका कोई हदो हिसाब नहीं है। अब बताइए ये स्कूल के छात्र भी निकल रहे हैं यहाँ पे, आप तस्वीरें दिखाइए। इतने संख्या में जो छात्राएं हैं निकल रही हैं यहाँ से, किस सेफ्टी जरूर रखो जो लड़कियों को या किसी को दिक्कत नहीं हो। माँ बहनें सबकी हैं यहाँ पे, ठीक है, पर यहाँ के बहुत गंदे लड़के हैं। आपको भी कुछ असुविधा देखने को मिली है क्या? बहुत गंदे लड़के हैं कि लड़कियों के आगे आगे निकलते हैं, गाड़ियाँ रोकते हैं, लड़कियों को रोकते हैं, छेड़ते हैं, छेड़खाने भी की जाती है। और क्या बहन, बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और यहाँ से देखा जाए तो सिर्फ यहीं की बात नहीं है, यहाँ से आप जाइए तो ये दो नहरिया जो है यहाँ पे आगे पे
वहाँ पे बहुत बच्चों का झुंड रहता है, और वहाँ तो मैं क्या बताऊँ, यहाँ जितना नहीं होता, मुझे लगता है इससे ज़्यादा कहीं अधिकतर वहाँ पे भी होता होगा। ये जो MB स्कूल का मोड़ है, यहाँ से सीधे जाके वहाँ पे आगे पे वो बिग मॉस के समथिंग पे, वहाँ पे जो लाइन लगा के बच्चे रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, बच्चों को देखते रहते हैं, लेकिन इसको कोई देखता ही नहीं है, किसी को कुछ दिखता नहीं है। प्रशासन वाले होंगे तभी तो दिख पाएगा ना किसी को, प्रशासन को पता नहीं, हम देख के आते हैं। अगर आपने ऐसी शिकायत हमारे कैमरे में बोली है, हम देख के आते हैं क्या माहौल है। कहता हूँ वहाँ पे अभी देखना आप कितने बच्चों का झुंड होगा, छोटे छोटे बच्चे जो 9th 10th में पढ़ते हो, सिगरेट पी रहे होंगे वहाँ पे। अब ऐसे में बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ये बच्चियाँ जा रही है वहाँ से, इतने गंदे गंदे कमेंट करते हो, तो ये कितने पढ़ते हैं आप लोग? कितने पढ़ते हैं? 12th में पढ़ती हूँ। लड़की वगैरह घूमते हैं यहाँ पे क्या? यस मैम। डर वगैरह लगता है? हाँ। गवर्नमेंट वगैरह पास करते हैं क्या आप लोग? हाँ करते हैं, जिसकी स्कूटी में अगर अपने भाई के साथ भी जा रहे होते हैं तो गंदे गंदे कमेंट करते हैं। कमेंट करते हैं? यस मैम। इस कभी पुलिसकर्मी तैनात किए गए यहाँ पे इससे पहले? नहीं, वैसे तो नहीं देखा है। क्या लगता है आप इस वजह से? तमाम परिजनों ने बोला कि काफ़ी ख़राब माहौल है, लड़के वगैरह परेशान करते हैं, आप छात्राएं पढ़ती हैं, ये अभी तैनाती ही गई, पहले कर देनी चाहिए थी कि अभी इतना वेट किया गया इतने अपराधों का? हाँ, पहले करना चाहिए था। कितनी छात्राएं पढ़ती होंगी यहाँ पर? तो तकरीबन 4-5 हज़ार से ज़्यादा ही पढ़ते होंगे। आप कहाँ रहती हैं? हम टमोडंगा में रहते हैं। अकेले जाएंगी घर? नहीं, भैया के साथ। ये हाँ, टमोडंगा से आप लेने आए? हाँ। चलिए दीदी, बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, बहुत लड़के लोग हैं और स्कूल वाले। तो आपकी कौन है? और मेरी बेटी है। आइए, कहाँ है? चल ले, रुक जा। नाम बताइए अपना। मैं पायल गुप्ता। क्या पढ़ती हैं? मैं 12th B। लड़की परेशान करते हैं कि इस साइड? जी। कमेंट वगैरह भी करते हैं? जी। जिस प्रकार से आप कह रही कि परेशान करते, कभी पुलिसकर्मी तैनात किए गए यहाँ पे? कभी शिकायत करी आप लोगों ने? नो। शिकायत भी नहीं करी? नहीं। शिकायत भी नहीं करते? नहीं सुनते हैं। मैं नहीं सुनता पुलिस वाले। जब करेंगे तभी तो आप बोलेंगे ना कि मैं अकेले क्या बोला, कोई बोलता ही नहीं है। अरे अकेले इंसान भी बदलाव ला सकता है। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो देश का कल है। मैं मम्मी को गई थी पर कुछ नहीं हुआ। मम्मी गई थी? आप शिकायत करने? हाँ गए थे। नहीं सुना? नहीं। क्या बोला? कुछ नहीं बोला। अब ऐसा नहीं होगा, 2-4 बार हमने ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा स्कूल वाले ये कहते हैं कि हम स्कूल के मालिक हैं, बाहर के मालिक नहीं है। स्कूल वाले ये बोल रहे। चलिए साइड आ जाइए, गाड़ी निकलने दीजिए। तमाम आप कोई बात करेगा? कितने चलो ठीक है। इस प्रकार से तमाम ने बातचीत सुनी, काफ़ी गंभीर बातें हैं कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से महिला अपराध बढ़ रहे हैं, दुष्कर्म की घटना लगातार सामने आई, रेप के केसेस लगातार पूरे देश में बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड से भी, हल्द्वानी से भी इतने केसेस आ रहे हैं, तो बेशर्मशाह करने वाले हैं। यहाँ का आपने माहौल समझा कि बिल्कुल सेफ नहीं है, जो मंचले हैं बेहद घूमते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं अब ही समझ नहीं रहे कि किस प्रकार से महिला पुलिस भी तैनाती की गई है, किस संदर्भ में की गई है। एक और स्थान लोगों की ओर से पता चला है कि वहाँ पर बेहद इस प्रकार के मंचले घूमते, सीधे वहाँ जाते हैं, वहाँ से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो इस प्रकार से इससे पहले हमने तस्वीरें गुरु तेग बहादुर खालसा स्कूल के बाहर की देखी, वहाँ पे परिजनों ने बातचीत की। देखिए तस्वीरें, देखिए मंचलों की, जब ये रिपोर्टर्स को कमेंट पास कर सकते हैं। देखिए देखिए खींचेंगी तस्वीरें। ये रोड है पंचक्की रोड, दो नदिया के पास की ये रोड है, और यहाँ पर महिला सुरक्षा के ऐसे कुछ इंतज़ाम है। शिकायत की गई थी परिजनों की ओर से कि यहाँ पे मंचले घूमते हैं, कमेंट पास करते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन वो भाग गए, लेकिन ऑन कैमरा इस प्रकार के कमेंट पास किए गए हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ये एरिया बिल्कुल सेफ नहीं है। जो परिजनों को शिकायत की गई थी वो बिल्कुल सही साबित हुई है, आपने ऑन कैमरा तस्वीरें देखी हैं। इस हिसाब से आप देखिए, इस प्रकार से स्कूलों के बाहर तैनाती की गई है बच्चों की छुट्टी के वक्त, ऐसे में शहर के अन्य क्षेत्रों में भी तैनाती की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से भारी संख्या में जो छात्राएं अपने घर को जाती हैं, दमोडुंगा को जाने वाला रास्ता है, काफ़ी संख्या में यहाँ से जो छात्राएं हैं अपने घर को जाती हैं। ऐसे में छात्राओं के पीछे पीछे ही हम यहाँ पे आए थे, और इनफैक्ट एक जो परिजन है वही हमको इस क्षेत्र में लेके आए थे कि यहाँ पे आइए और यहाँ के हाल देखिए। हमने यहाँ पे लड़कों से बातचीत करने की कोशिश की, लड़के मौजूद थे लेकिन कैमरा देखते ही वो भाग गए। तस्वीरें हमने कैद की, उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो रोज़ यहाँ पर नहीं आते, कभी कभी यहाँ पर आते हैं, लेकिन सिगरेट यहाँ पे पी जाती है, ऐसी बातें की गई हैं। जो दुकान है सामने उनकी ओर से भी कही गई है कि यहाँ पे सिगरेट है वो पी जाती है लड़कों की ओर से। तो वहीं जो लड़के यहाँ से भागे उनका कहना है कि शाम के वक्त ड्राइवर वगैरह शराब भी यहाँ पे पीते हैं। ऐसे में कितना सुरक्षित हल्द्वानी का ये एरिया है, यदि मैं आपको लोकेशन बताऊँ तो पंचक्की रोड इसे कहते हैं, धोनरिया रोड भी इसको कहते हैं। ऐसे में क्या कुछ इंतज़ाम
हल्द्वानी में महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं, हम ये रिपोर्ट जो तैयार कर रहे थे वो इस संबंध में कर रहे थे कि महिलाओं के लिए जिस प्रकार से गर्ल्स स्कूल के बाहर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है वो कितनी कारगर है, उसको परिजन कैसे देख रहे हैं, बच्चे उनको कैसे देख रहे हैं ऐसे में। तो इस प्रकार से शिकायत मिली, उसके बाद हम यहाँ पे आए और आपने ऑन कैमरा देखा क्या कुछ यहाँ के हाल है और यहाँ छात्राओं को किस प्रकार से घर जाना पड़ता होगा, किस प्रकार से वो घर जाने के लिए इस रास्ते को काटती होंगी, क्योंकि इस प्रकार से मंचलों का हाल इस एरिया में है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन महिला अपराधों के प्रति जिस प्रकार से जो घटनाएं हैं सामने आ रही है, तमाम कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। इनफैक्ट रात में हल्द्वानी कितनी सेफ है, वो इकलौता जो जेएनएन है वही है जिन्होंने रात में हल्द्वानी की आपको तस्वीरें दिखाई हैं। फिलहाल भी हम पैनी नज़र हल्द्वानी में महिलाओं के सुरक्षा के प्रति क्या कुछ इंतजाम है उसके लिए बनाए हुए हैं, तस्वीरें यहाँ से सामने आई हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में आपको बस इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है जिस प्रकार से यहाँ की गतिविधियाँ सामने आई है, इसको आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि आप प्रशासन को इस प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ से बालिकाएं गुजरती हैं वहाँ पे भी नज़र रखनी चाहिए, यहाँ पे कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, हमें सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, जे जे न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।